कहते हैं ना, अगर मन में जज्बा उमंग के साथ आगे बढ़ने की जज्बा हो तो वह हर चुनौतियों का सामना कर एक न एक दिन उस मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। वाकई में सहरसा के लाल सतीश बादल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। सहरसा जिले की पत्रगढ़ के धवोली गांव निवासी मनिक प्रसाद सिंह के पुत्र सतीश बादल ने कर दिखाया है। उन्होंने आखिरकार एक वेब सीरीज में अपना रोल दिया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर जो 25 नवंबर को रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के बाद बिहार ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी तहलका मचा रहा है। सतीश बादल ने बताया है कि यह फिल्म वर्ष 2000 से 2006 के बीच बिहार में घटित घटना दर्शकों के सामने खाकी बिहार चैप्टर के रूप में सामने रखा है। नीरज पांडे की फिल्म बिहार डायरी पर आधारित है। बिहार डायरी शेखपुरा के तत्कालीन एसपी अमित लोडा की उपन्यास है जिसकी एक सच्चाई घटना का जिक्र किया गया है। सतीश बादल ने खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि फिल्मी दुनिया तक जाने का सफर उनका काफी कठिन रहा है। वे कई चुनौतियों का सामना कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आखिरकार में उन्हें कामयाबी मिली है। फिल्मी दुनिया तक जाने की सफर कैसी रही सतीश बादल से आप खुद सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश बादल और आप मुझे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है खाकी द बिहार चैप्टर उसमें देख रहे हूँ जो 25 नवंबर को रिलीज हुई है। उसमें मेरा एक किरदार है टोला सिंह का और मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम धवोली है और मेरे रंगमंच की शुरुआत पिछले 17 वर्षों से मैं रंगमंच अभिनय से जुड़ा हूँ। मैं जब 10वीं कक्षा में था सहरसा में तब से और तब मुझे गाने का बहुत शौक था और उसी के माध्यम से मैं थिएटर में आया और जब मैं उसमें आया तो फिर लगा कि मुझे थिएटर ही करना है। सहरसा में एक संस्था है इप्टा जिससे मैं जुड़ा, वहाँ पे मैंने कुछ समय नाटक किए। उसके बाद मैं पटना चला गया और फिर कुछ समय दिल्ली में काम किया, एनएसडी के कुछ वर्कशॉप किए, फिर वहाँ से लगा कि मुझे एनएसडी करना है और उसकी तैयारी कर रहा था और फिर मैं प्रवीण गुहा जी से मिला तो उनका एक थिएटर ग्रुप है अल्टरनेटिव लिविंग थिएटर कोलकाता में, मैं उनसे जुड़ा, उनके साथ मैंने एक डेढ़ साल काम किया और मैंने फिर सिक्किम में एनएसडी में मैंने अप्लाई किया जहाँ पे एक साल का डिप्लोमा होता है, तो मैंने वहाँ से एक साल का डिप्लोमा किया और वहाँ से निकलने के बाद मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, तो वहाँ मेरा हो गया। 2 साल का मुझे स्कॉलरशिप मिला और फिर मैं 1 साल के लिए मैं छाऊ सीख में सरायकेला चला गया जहाँ पे छाऊ डांस फॉर्म है जो बहुत ही प्राचीन है, तो जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट और सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है वो एक तरह का, तो मैं सीखा और 2015 में मैं मुंबई आ गया और वहाँ से मेरी टीवी और फिल्मों की जर्नी शुरू हुई। शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफ हुई थी यहाँ पे, मतलब जो स्ट्रगल है वो हमने किया, कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस जाना और काम के लिए भटकना। शुरुआती समय में मैंने कुछ सीरियल्स में कैमियोज किए और धीरे धीरे अभी ये पैंडमिक के बाद मुझे ये सीरीज मिली नीरज पांडे जी की, उसमें मैंने काम किया। उससे पहले मैंने कुछ ऐड में काम किया था और मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में बिफोर यू मूवीज के साथ एक फिल्म है मिसेज अंडरकवर जो आने वाली जनवरी तक में आ जाएगी, राधिका आपके जी के साथ मेरा एक काम है और एक सीरीज है काला, उसमें भी मैंने एक छोटा सा किरदार किया है और बाकी आप लोग आशीर्वाद प्यार बनाए रखें और खाकी द बिहार चैप्टर जरूर देखिए और बताएंगे कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।